एवरीवन, दिस इज आरडी फ्रॉम तस्वीर एकेडमी इंदौर। यू मोस्ट वेलकम ऑन दिस क्लास। सो गाइस, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो जो पिछली क्लासेस हमारी हुई है, जिसमें हमने देखा है कि मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया था, मैं क्या करूँगा, उन्हीं सारी चीज़ों का रिवीजन लेकर उन्हें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि सारी आने वाली वीडियो टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए, अभी जो हम लोग आज की बात मैं करूँगा, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ की बात करें, जो हम लोग डेली करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, ऑफिस कॉलेज जाते हैं, उसको हम लोग एक्शन फर्स्ट से बताते हैं इंग्लिश में, जो कि हम अपने वीडियो में बता चुके हैं। सेकेंड थिंग, जो आपने किया था, जो पास्ट की बात है, ओके, वो भी बन चुका है, उसका भी सब वो बनना है, और एक्शन सेकेंड से हम लोग कहने वाले हैं या बताने वाले हैं। और अगर हम बात करें फ्यूचर की, जो करेंगे, है ना, कि आप सुबह उठोगे, ब्रश करोगे, चाय पियोगे, या बिजनेस करोगे, या आपके अपने कुछ पर्सनल काम करोगे, वो भी सारी चीज़ें आप उस वीडियो से सीख सकते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो नहीं देखे तो। वीडियो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आज हम लोग जो बताने वाले हैं वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा 110%। आपको भी बिलीव हो जाएगा, एक फेथ हो जाएगा कि हमने इतनी सारी चीज़ें सीख ली है और उसके बेसिस पे हम लोग इंग्लिश काफ़ी हद तक बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो पहला एग्जांपल ये है कि भैया, जो भी हम लोग काम करते हैं डे टू डे लाइफ में, आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, मतलब जो भी काम करते हैं वो बता सकते हैं, किया था पास्ट में वो बता सकते हैं, वो करेंगे वो भी बता सकते हैं। चलिए एक रिविज़न देख लेते हैं। तो मैं कोई भी काम करता हूँ उसको बताने के लिए आए और एक्शन फर्स्ट, है ना, आए मतलब मैं और एक्शन मतलब वही वर्ब, आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, समझना, बोलना, तो वो सारे वर्ब होते हैं। मैं कोई भी काम करता हूँ, ठीक है, जैसे सपोज दैट मेरा काम है इंग्लिश पढ़ाना, तो मैं बोल सकता हूँ आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं समझता हूँ आई अंडरस्टैंड, मैं इंग्लिश सीखता हूँ आई लर्न इंग्लिश, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं टीवी देखता हूँ आई वॉच टीवी, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ आई वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब, ओके, मैं मजाक करता हूँ आई जोक, मैं इंतज़ार करता हूँ आई वेट, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अगर इसी का मुझे पास्ट बताना, मैंने कोई काम पास्ट में किया था, कल किया था, थोड़ी देर पहले किया था, तो उसको कैसे बताएंगे? दैट पर्सन मतलब वो बंदा, बंदा कौन, सारे पर्सन हो जाते हैं, आई यू वी दे ही शी नेम इट योर माई इज हर, ओके, आप ये अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, बिल्कुल हिंदी में लिखी हुई है, आपको इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मैं कोई भी काम किया था, है ना, या किसी ने भी किया था, मैंने, मेरी बात नहीं, किसी ने भी किया था, तो उसको बताने के लिए बंदा और एक्शन सेकंड, ओके, मैंने मूवी देखी थी आई वॉच्ड अ मूवी, राम बाजार गया था, राम वेंट टू मार्केट, पापा ने मुझे 500 रुपये दिए थे, फादर गेव मी 500 रुपीज़, ओके, मैंने आपका वीडियो यूट्यूब पर देखा था आई वॉच्ड योर वीडियो ऑन यूट्यूब, मैं समझ गया आई अंडरस्टूड, वहाँ भूल गई शी फॉरगॉट, ओके। अब अगर हम लोग बात करते हैं फ्यूचर की, कोई काम करोगे तो वो बंदा, विल और एक्शन फर्स्ट, इसमें भी सारे बंदा आते हैं, और उसमें अच्छी बात ये है कि इसमें एक्शन फर्स्ट लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मैं आऊँगा आई विल कम, मैं जाऊँगा आई विल गो, वह कल आएगी शी विल कम टुमारो, राम तुमसे बात कर लेगा राम विल टॉक टू यू, वह हैंडल कर लेगी शी विल हैंडल, वह तुम्हें पढ़ा देगी शी विल टीच यू, ओके, वह तुम्हारा इंतजार करेगा ही विल वेट फॉर यू, ओके। इसको तीनों चीज़ों में देखते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह उठता हूँ, ये प्रेजेंट की बात है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर यही मुझे बताना कल कि मैं सुबह उठा था तो आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और मैं कल उठूँगा आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं समझता हूँ आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया आई अंडरस्टूड, मैं समझूंगा आई विल अंडरस्टैंड। अगर थर्ड पर्सन के बारे में बताना, कोई मम्मी पापा या सिस्टर के बारे में, तो प्रेजेंट में उसमें आपको वर्ब में ऐसे एस लगाकर वो भी आप बता सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल बोल लेते हैं हम लोग, जैसे मैं आता हूँ आई कम, मैं आया था आई केम, मैं आऊँगा आई विल कम, ओके, वह आती है सी कम्स, मैं पढ़ाता हूँ आई टीच, मैंने पढ़ाया था आई टॉट, मैं पढ़ाऊँगा आई विल टीच, वह पढ़ाती है सी टीचर्स, ओके, मैं कोशिश करता हूँ आई ट्राई, मैंने कोशिश की थी आई ट्राइड, मैं कोशिश करूँगा आई विल ट्राई, वह कोशिश करती है सी ट्राइज, ओके, मैं दौड़ता हूँ आई रन, मैं दौड़ा था आई रेन, मैं दौड़ूंगा आई विल रन, वह दौड़ेगी वह दौड़ती है सी रन्स, मैं गाने गाता हूँ आई सिंग्स सॉन्ग,
मैंने गाने गाए थे, आई सेंग सॉन्ग्स, मैं गाने गाऊंगा, आई विल सिंग सॉन्ग्स, वह गाने गाती है, सी सिंग्स सॉन्ग्स। मोबाइल चलाता हूँ, आई ऑपरेट मोबाइल, मैंने मोबाइल चलाया था, आई ऑपरेटेड मोबाइल, मैं मोबाइल चलाऊंगा, आई विल ऑपरेट मोबाइल, वह मोबाइल चलाती है, सी ऑपरेट्स मोबाइल। ओके, मैं मदद करता हूँ, आई हेल्प, मैंने मदद की थी, आई हेल्प्ड, मैं मदद करूँगा, आई विल हेल्प, वह मदद करती है, सी हेल्प्स। ओके, मैं क्या करता हूँ, जो भी काम करता हूँ, सिर्फ वो सारी चीज़ें। तो गाइस, आपको कॉन्फिडेंस हो जाना, जो आप काम करते वो बता सकते हैं, किया था जो बताएंगे, और करेंगे तो वो भी बताएंगे। तो बी कॉन्फिडेंस, अब आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, किसी से मोहलत नहीं पूछना है, जस्ट स्टार्ट करना है, स्पीकिंग को स्टार्ट कीजिए। बिलीव करिए गाइस, आप समझिए कि आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आप डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए गाइस, ऑल द डिपेंड, ऑल जो खेल होगा वो प्रैक्टिस का होगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो उससे सर हम कितने दिन में इंग्लिश सीख जाएंगे, तो इट इज़ डिपेंड ऑन यू। अगर आप जितनी जल्दी प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ खुल के बातें करते हैं ना, और उतनी जल्दी आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती जाती है। हम लोग क्या ज़्यादा शाय करते हैं, शर्माते हैं, और सामने वाला क्या कहेगा, उसको कहने दो, उसका कहने का काम है, आपका बोलने का काम, तो आपको बोलना है। ओके, सो लिखने से लिखना आता है, पढ़ने से पढ़ना, और बोलने से बोलना है। तो कीप स्पीकिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको कोई सेपरेट वीडियो बनाना है तो प्लीज़ उस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, हम लोग उस पर वीडियो क्रिएट करेंगे। और सेकेंड थिंग, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना है, और हमें सपोर्ट करना है। चलिए ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट।